हेलो स्टूडेंट हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको जल्दी से मिल जाए हेलो स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है मैथ में रेसनल नंबर उसकी हमारी एक्सरसाइज़ वन पॉइंट वन कम्प्लीट हो चुकी है आज हम एक्सरसाइज़ 1.2 को स्टार्ट करेंगे तो 1.2 में क्या है देखते दे हैं हम विच ऑफ़ द रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फ्लोविंग जी रेशनल नंबर दे रखे हैं रेशसनल नंबर क्या होते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में जो ये रेशनल नंबर दे रखे हैं इसमें से कौन से बड़े हैं ओके स्टूडेंट इनमें से बड़े रेशनल नंबर कौन से हैं अब देखो थ्री पॉइंट थ्री बाई फोर एंड जीरो अभी बताओ जीरो तो सब कुछ बड़ा होता है अगर वो पॉजिटिव है यानी प्लस का है तो प्लस का थ्री बाई फोर है तो जीरो से तो ये बड़ा होगा ही तो हम यहाँ पे थ्री बाई फोर इज ग्रेटर देन जीरो ऐसे लिख देंगे ओके स्टूडेंट थ्री बाई फोर क्या है जीरो से बड़ा है ओके स्टूडेंट सेकंड है हमारा सेकंड जो है वन बाई टू माइनस वन बाई टू एंड म अब यहाँ पे देखो हम यहाँ तो इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे टू और सेवन को एलसीम क्या जाएगा फोर्टीन आ जाएगा तो यहाँ पे अगर हम फोर्टीन तो टू सेवन जा फोर्टीन वन सेवन जा सेवन तो ये जाएगा माइनस सेवन बाई फोर्टीन और सेवन टू ज़ा फोर्टीन फोर टू जा एट ये हो जाएगा माइनस एट बाई फोरटीन ओके स्टूडेंट अब देखो माइनस सेवन बाई फोरटीन और माइनस एट बाई फोर्टीन इनमें कौन सा बड़ा है इनमें बड़ा कौन सा वो बताना हमें अब हम यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो छोटा होता ना देखो अगर ये सेवन बाई एट होता सॉरी सेवन बाई फोर्टीन और एट बाई फोर्टीन होता ओके okay, स्टूडेंट तो क्या कौन सा बड़ा होता एट बाई फोरटीन क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे माइनस में है माइनस में जो नंबर छोटा होगा वो क्या होगा बड़ा होगा और जो नंबर बड़ा होगा वो क्या होगा छोटा होगा देखो नंबर क्या बड़ा है एट बाई फोरटीन बढ़ाना है बट माइनस है दोनों के आगे तो सेवन बाई फोर्टीन छोटा है लेकिन यहाँ पे सेवन बाई फोर्टीन क्या होगा बड़ा होगा अगर सेवन बाई फोर्टीन बढ़ा होगा तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा माइनस वन बाई टू यहाँ पे क्या होगा बड़ा होगा ओके स्टूडेंट तो ये माइनस वाला आपको ध्यान में रखना है इसका इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं माइनस का अब यहाँ पे पूछ लिया जाए कि माइनस फाइव और माइनस एट कौन सा बड़ा है इसमें इसमें माइनस फाइव बड़ा है ओके स्टूडेंट माइनस एट छोटा है फाइव और एट पूछ लिया जाए तो एट बड़ा है माइनस फाइव और माइनस एट पूछ लिया जाए तो माइनस फाइव बड़ा है ओके okay, स्टूडेंट तो इस बात को आपको ध्यान रखना है थर्ड पार्ट है इसका एट बाई फिफ्टीन एंड थ्री बाई टेन फिफ्टीन और टेन का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या जाएगा? 30 आ जाएगा थर्टी okay, आ तो जाएगा ओके स्टूडेंट फिफ्टीन टू जा थर्टी तो एट टू जाएगा सिक्सटीन बाई थर्टी एंड टेन थ्री जा थर्टी आ जाएगा थ्री थ्री जा नाइन बाई थर्टी आ जाएगा अब डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का जो बड़ा है वो बड़ा होगा और जो क्योंकि माइनस तो है ना यहाँ पे जो छोटा है वो छोटा होगा तो बड़ा कौन सा इसमें सिक्सटीन बाई थर्टी बड़ा है सिक्सटीन बाई थर्टी किसके किसके लिए यूज़ हुआ है एट बाई फिफ्टीन के तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट बाई फिफ्टीन इज़ ग्रेटर देन थ्री बाई टेन एट बाई फिफ्टीन इज ग्रेटर देन थ्री बाई टेन ओके स्टूडेंट तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी हमारा सोल हो गया थर्ड क्वेश्चन तो यहां पे अब हम इसका थर्ड पार्ट हो गया फोर्थ पार्ट आपको करना है सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन में क्या है रिप्रेजेंट द फ्लोविंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है देखो नंबर लाइन कोई भी एक नंबर लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे ओके okay, स्टूडेंट यहाँ पे हम जीरो वन और सॉरी वन माइनस वन ओके okay, स्टूडेंट यहाँ पे माइनस वन जीरो से राइट साइड में यहां पे प्लस का वन होगा और यहां पे क्या होगा माइनस वन होगा ओके okay, स्टूडेंट अब यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करना है माइनस फाइव बाई सिक्स को रिप्रेजेंट करना है ओके okay, स्टूडेंट तो माइनस फाइव बाई सिक्स है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो अब माइनस है तो ये इस साइड होगा रिप्रेजेंट ओके स्टूडेंट इस साइड होगा अब यहाँ पे सिक्स पार्ट माइनस डिनोमीटर कितना है सिक्स तो इसको जीरो और वन के बीच में कितने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको सिक्स पार्ट में डिवाइड कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स पार्ट में डिवाइड हो गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस वन बाई सिक्स यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस टू बाई सिक्स ये टू बाई सिक्स है ये माइनस थ्री बाई सिक्स है ये माइनस फोर बाई सिक्स है ये माइनस फाइव बाई सिक्स और ये माइनस सिक्स बाई सिक्स यानी ये ये है माइनस सिक्स बाई सिक्स कैंसिल होगा तो माइनस वन आ जाएगा ओके okay, स्टूडेंट तो इस प्रकार से इनको डिनोट करना हमें यानी जितने डिनोमिनेटर होते हैं जितना डिजिट में उतने अमाउंट के पार्टीशियन कर लेंगे यहाँ पे अब पूछ क्या रखा माइनस फाइव बाई सिक्स तो आपको यहाँ पे माइनस फाइव बाई सिक्स यहाँ पे यह रहा, ये रहा माइनस फाइव बाई सिक्स ये है तो माइनस फाइव बाई सिक्स कहाँ पर हो जाएगा इस नंबर लाइन पर यहाँ पर हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सोल हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट इसी प्रकार से हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट है वो सॉरी सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में देखते हैं हम सेकंड पार्ट है इसका नंबर लाइन पे डिनोट करना है क्या डिनोट करना है ये आपको देखना अभी ये हम एक बार बना लेते हैं ये जीरो इस साइड माइनस वन और इस साइड प्लस का वन ओके okay, स्टूडेंट थ्री बाई सेवन करना है देखो माइनस तो है नहीं तो यहाँ पे इस साइड होगा प्लस में तो थ्री सेवन पार्ट है तो सेवन पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ओके स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा वन बाई सेवन ये हो जाएगा टू बाई सेवन थ्री बाई सेवन फोर बाई सेवन फाइव बाई सेवन सिक्स बाई सेवन और ये सेवन बाई सेवन होगा तो हम इसको क्या लिख देंगे वन ही लिख देंगे क्योंकि अगर सेवन बाई सेवन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा वन तो ये हो जाएगा वन ओके स्टूडेंट तो यहाँ पे वन हो जाएगा ये ओके okay, स्टूडेंट तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अब देखो यहाँ पे ये वन हो जाएगा यहाँ पे अब देखो हमारा थ्री बाई सेवन है वन बाई टू बाई थ्री बाई सेवन यहाँ पर तो ये थ्री बाई सेवन हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको थ्री बाई सेवन को ओके स्टूडेंट जो आपको रिप्रेजेंट करना उसको आप थोड़ा सा डायरेक्ट कर दीजिए ओके स्टूडेंट तो ये थ्री बाई सेवन भी हो जाएगा जो माइनस टू बाई सेवन है वो यहाँ पे आप इस साइड से कर लोगे ऐसे ही सेवन पार्टीशन करके यहाँ पे माइनस टू बाई सेवन आएगा उसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो ये माइनस एट बाई एवन है ये मैं आपको रिप्रेजेंट करके अभी हम करते हैं ओके okay, स्टूडेंट तो हम यहाँ पे इसका लास्ट पार्ट करेंगे एक नंबर लाइन लगाएंगे पहले तो हम जीरो वन टू सॉरी वन ये माइनस वन होगा यहाँ पे और ये आगे जाके माइनस टू हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट तो यहाँ पे देखो माइनस एट बाई इलेवन है तो माइनस एट बाई इलेवन है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इलेवन पोर्सन करेंगे इसका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो माइनस एट ये देखो अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन बाई इलेवन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एट वाई इलेवन कहाँ पर यहाँ पे यहाँ पे माइनस एट वाई इलेवन आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस एट वाई इलेवन आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ओके स्टूडेंट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस एट वाई इलेवन तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन हमारा अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसको अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या होता है सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, उस बड़ा ये असेंडिंग ऑर्डर होता है ओके okay, स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये पहले इनका क्या करेंगे एल करेंगे एल 15, 10, 60 और 30 का ट्वेंटी और 30 का एल क्या जाएगा 60 आ जाएगा ओके okay, स्टूडेंट तो फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी और एट फोर जा थर्टी टू तो यहाँ पे लिख देंगे हम थर्टी टू बाई सिक्सटी माइनस का है तो माइनस टेन सिक्स जा सिक्सटी थ्री सिक्स जा माइनस एटीन बाई सिक्सटी ओके स्टूडेंट ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन बाई सिक्सटी ओके स्टूडेंट थर्टी टू ज़ा सिक्सटी सेवेंटीन टू जा थर्टी फोर बाई सी माइनस अब ये देखो सभी जो नंबर हैं वो डिनोमिनेटर सेम हो गया अब प्रॉब्लम क्या है कि माइनस है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे छोटा सबसे छोटा क्या होगा माइनस में जो सबसे बड़ा है सबसे बड़ा क्या है ये वाला ये है सबसे बड़ा तो ये किसके लिए यूज हुआ है माइनस थर्टीन बाई ट्वेंटी के लिए क्योंकि देखो थर्ड टर्म है थर्ड टर्म क्या है ये है तो सबसे छोटा ये होगा उसके बाद इन में देखो सब इसके बाद ये है तो ये हो जाएगा सेवनटीन बाई माइनस थर्टी उसके बाद ये है ये हो जाएगा एट बाई माइनस फिफ्टीन और फिर बच गया ये माइनस थ्री बाई टेन ओके स्टूडेंट तो ये क्या हो गया ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा सबसे छोटा ये है उससे बड़ा ये है उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये हो गया ओके okay, स्टूडेंट तो इस प्रकार से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं अब हम सेकेंड पार्ट आप कर लीजिएगा चलो कर लेते हैं सेकेंड पार्ट भी इसका सेकेंड पार्ट करेंगे तो हम इसका देखो टू के नीचे वन है फाइव वन थ्री थ्री का एल्शियम करेंगे तो क्या जाएगा फिफ्टीन आ जाएगा क्या जाएगा? 15 आ जाएगा फिफ्टीन आ जाएगा फाइव थ्री जा फिफ्टीन थ्री थ्री जा थर्टीन थ्री जा तो ये माइनस का थर्टी नाइन अपोन में फिफ्टीन वन फाइव वन फिफ्टीन फिफ्टीन तो यहाँ पे टू को फिफ्टीन से करेंगे माइनस थर्टी बाई फिफ्टीन आ जाएगा थ्री से फाइव सेवन से फाइव करेंगे तो थर्टी फाइव बाई फिफ्टीन आ जाएगा माइनस का थ्री फाइव जै फिफ्टीन टू फाइव जै टेन बाई फिफ्टीन आ जाएगा ये प्लस का है तो हमको करना क्या है असेंडिंग ऑर्डर में देखो ये तो लास्ट में आएगा सबसे क्योंकि प्लस का है तो इनमें सबसे छोटा क्या है जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है सबसे बड़ा तो ये तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा माइनस थर्टीन बाई फाइव दूसरा नंबर ये है तो ये क्या है माइनस सेवन बाई थ्री नंबर माइनस और फिर टू बाई थ्री तो ये इनका क्या हो जाएगा इस प्रकार से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं ओके okay, स्टूडेंट इस प्रकार हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा अरेंज द फ्लोइंग नंबर ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा होता है वो उसके बाद उससे छोटा उसके बाद उससे छोटा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ओके okay, स्टूडेंट तो यहाँ पे हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे अब देखो यहाँ पे हम अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो यहाँ पे देखो अब हम या तो हम इसका एल्सीय लेके करेंगे एल्सीयम इक्वल करेंगे नीचे वाले का ओके okay, स्टूडेंट या तो हम इसका एल्सीम इक्वल करेंगे या फिर हम इसको डेसिमल में लेके आएंगे ओके okay, स्टूडेंट तो या तो हम इसका एलसीएम ही कुल करेंगे या इसको हम डेसिमल में लेके आएंगे तो एलसीएम तो ज़्यादा बड़ा जाएगा इसका तो हम इसको डेसिमल में ही ले आते हैं ओके स्टूडेंट एलसीएम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो फाइव बाई सिक्सटी है सॉरी फाइव बाई ट्वेल्व है तो इसको अगर हम फाइव बाई ट्वेल्व को अगर हम डेसीमल लेके आएंगे जीरो पॉइंट क्या आ जाएगा माइनस तो आई ट्वेल्व फोर्जा फोर्टी एट तो ज़ीरो पॉइंट फोर आ जाएगा इसको करेंगे हम सेवेंटी बाई सिक्स हो जाएगा तो जीरो पॉइंट सॉरी यहाँ पे तो वन जीरो पॉइंट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेवन बाई सिक्स है तो वन पॉइंट वन आ जाएगा ओके स्टूडेंट यहाँ पे थ्री बाई एट है तो माइनस थर्टी हो जाएगा एट थ्री जा ट्वेंटी फोर ही आएगा सॉरी ज़ीरो पॉइंट थ्री आ जाएगा यहाँ पे <coughs> माइनस सेवन वन या सेवन डेसिमल में लगाएंगे यहाँ पे चार बचेगा जीरो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव ओके okay, स्टूडेंट तो यहाँ पे ऐसे हो गए थे दे देखो यहाँ पे माइनस जीरो पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट वन माइनस ज़ीरो पॉइंट थ्री और माइनस वन पॉइंट फाइव ओके स्टूडेंट तो यहाँ पे हमें क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा क्या है जो अब सभी माइनस में हैं जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा तो सबसे छोटा क्या है इसमें जीरो पॉइंट थ्री तो ज़ीरो पॉइंट थ्री किसके लिए यूज हुआ है माइनस थ्री बाई एट के लिए उसके बाद जीरो पॉइंट फोर किसके लिए यूज़ हुआ माइनस फाइव बाई ट के लिए ओके okay, स्टूडेंट उसके बाद वन पॉइंट वन किसके लिए यूज हुआ है माइनस वन पॉइंट वन यूज हुआ है सेवन बाई माइनस सेवन बाई सिक्स और फिर बच गए यहाँ पे माइनस इलेवन बाई सेवन ओके स्टूडेंट तो ये इसका किसमें हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा और उससे छोटा ओके okay, स्टूडेंट तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा सेकेंड पार्ट है इसका ये आपको करना है ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को यूज द करेक्ट साइन ऑफ अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल का साइन लगाना हमें तो यहाँ पे अब देखो कौन सा बड़ा है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे माइनस टू बाई थर्टीन और थ्री बाई सेवन में कौन सा बड़ा है यहाँ पे देखेंगे हम माइनस टू बाई थ्री को अगर हम डिवाइड करते हैं तो थर्ट जीरो पॉइंट वन आ जाएगा इसको करेंगे तो हम जीरो पॉइंट फोर आएगा तो कौन सा बड़ा हुआ जो छोटा है वो बड़ा है ये वाला बड़ा, बड़ा हुआ ओके स्टूडेंट इसमें कौन सा बड्डा होगा देखो सिक्स टू या ट्वेल्व टू से ज़्यादा है यहाँ पे माइनस टू है तो ये वाला बड़ा होगा ओके स्टूडेंट तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा जीरो से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कौन सा बड़ा होगा ये वाला बड़ा होगा ओके स्टूडेंट तो यहाँ पे अब हम अगर यहाँ पे देखेंगे हम देखो इसको कैंसिल कर देंगे हम थ्री और इससे आ जाएगा टेन तो ये भी माइनस टेन बाई थ्री और ये भी माइनस टेन बाई थ्री तो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये इक्वल हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा जो एक ये वाला पार्ट बचा हुआ है ये और देखो फाइव और टू का अगर हम एलसीम लेते हैं तो टेन आ जाता है टेन आ जाएगा टू फाइव जै टेन थ्री फाइव जै फिफ्टीन तो ये हो जाएगा माइनस फिफ्टीन बाई टेन ओके स्टूडेंट फाइव टू जै टेन सिक्स टू जै ट बाई टेन ये भी माइनस अब ये बताओ तो इनमें से कौन सा बड़ा है जो माइनस में है डिनोमिनेटर सेम है जो न्यूमिनेटर जिसका छोटा होगा वही बड़ा होगा ना तो ये वाला बड़ा होगा माइनस फिफ्टीन बाई टेन लेस देन माइनस ट्वेल्व बाई टेन ओके स्टूडेंट तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा सोल्व होगा सिक्स क्वेश्चन को करते हैं हम राइट एनी फाइव रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन माइनस वन जो माइनस वन से छोटे हों ओके स्टूडेंट अब देखो यहाँ पे माइनस वन से रेशनल नंबर बताने हमें तो माइनस वैसे लिखें तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ये सभी क्या हैं माइनस वन से छोटे ही हैं ओके okay, स्टूडेंट अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस थ्री बाई टू माइनस फोर बाई टू माइनस फाइव बाई टू माइनस सिक्स बाई टू माइनस सेवन बाई टू माइनस एट बाई टू माइनस नाइन बाई टू ऐसे कितने भी नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओके okay, स्टूडेंट तो इस पर इसको हम आसानी से इस प्रकार से लिख सकते हैं जो सेवन्थ क्वेश्चन है राइट एनी फाइव रेशनल नंबर विच आर ग्रेटर देन माइनस थ्री बाई टू विच आर ग्रेटर देन माइनस थ्री बाई टू देखो माइनस थ्री बाई टू से जो बड़े हों अब यहाँ पे रेशनल नंबर पूछ रखा है माइनस थ्री बाई टू का मतलब होता है वन एंड हाफ तो इससे बड़ा क्या होगा इससे बड़ा माइनस वन होगा रेशनल नंबर नहीं है तो माइनस वन बाई टू भी इससे बड़ा होगा ओके okay, स्टूडेंट ज़ीरो भी इससे बड़ा होगा वन बाई टू भी इससे बड़ा होगा प्लस का वन भी इससे बड़ा होगा थ्री बाई टू भी इससे बड़ा होगा क्योंकि तो जो प्लस में चले गए वो फोर बाई टू फाइव बाई टू जो भी होंगे वो इससे क्या होंगे बड़े ही होंगे ओके okay, स्टूडेंट तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो सेवन क्वेश्चन एक्सरसाइज वन पॉइंट टू में ओके okay, स्टूडेंट तो एक्सरसाइज वन पॉइंट टू भी हमारी कंप्लीट हो गई अब हम अब वन पॉइंट वन और वन पॉइंट टू हमारी एक्सरसाइज है जो कंप्लीट हो चुकी है वन पॉइंट टू आप स्क्रीन पे अच्छी तरह से देख सकते हो इन क्वेश्चनों को आप पहले रफली कीजिएगा आफ्टर दैट उसको अप कीजिएगा तो 1.2 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो ओके स्टूडेंट थैंक यू